हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे जेपीजी फाइल हो या पीडीएफ फाइल हो, उसका साइज़ जो है कि कम करना चाहते हैं तो कैसे जो है कि साइज़ कम कर पाएंगे, यानी कि जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल का साइज़ जो है कि अपने ज़रूरत अनुसार कैसे कम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल लाइव जो है कि दिखाऊँगा किस तरह से आप जो है कि जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल का साइज़ जो है कि कम कर सकते हैं, या दोस्तों आपके पास जो कि जेपीजी फाइल है उसको जो कि पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे जो कि जेपीजी फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट मैं दिखाऊंगा किस तरह से जेपीजी फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं, या जो है कि जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल का साइज़ कम करना चाहते हैं तो किस तरह से आप जो कि साइज़ कम कर पाएंगे। तो चलिए अपने मोबाइल फ़ोन पर चलता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल जो कि लाइव यहाँ मैं दिखाऊँगा। चलिए अपने मोबाइल फ़ोन पर चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं दिखाऊंगा जेपीजी फाइल हो या पीडीएफ फाइल हो उसका साइज़ जो कि आप कम करना चाहते हैं तो कैसे जो कि साइज़ कम कर पाएंगे, यानी कि जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल का अपने ज़रूरत अनुसार किस तरह से साइज़ जो कि कम कर पाएंगे, इस वीडियो में साइज़ जो कि कम करके मैं दिखाऊँगा। या दोस्तों जो कि जेपीजी फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में ये भी दिखाऊँगा किस तरह से आप जो कि जेपीजी फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पर ही हूँ और यहाँ पे जो कि दो एप्लीकेशन के माध्यम से जो कि मैं जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल हो उसका साइज़ जो है कि कम करके मैं दिखाऊंगा। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन है, तो चलिए जो कि इस तरह से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए पहला एप्लीकेशन है कंपोज इमेज साइज, दूसरा एप्लीकेशन है डीओसी स्कैनर। दोस्तों दोनों एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, प्ले स्टोर से जो कि डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन जो है कि मिल जाएगा, या दोस्तों दोनों एप्लीकेशन का लिंक जो है कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और प्ले स्टोर से जो है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन जो है कि डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है कि इस एप्लीकेशन की मदद से जो है कि जेपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल हो जो कि इसको साइज़ जो कि कम करके मैं दिखाऊँगा। चलिए जो कि कंपोज इमेज साइज फाइल को ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे देखिए इस तरह से जो कि इंटरफेस आएगा, और देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस जो कि आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, चलिए चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो कि आपका ऑप्शन जो कि ओपन हो जाएगा, गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गैलरी में डायरेक्ट जो कि चले जाएँगे। देखिए इस तरह से जो कि गैलरी में आ चुके हैं, जो भी गैलरी में आप डॉक्यूमेंट रखें या फोटो है उसको जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए जो कि सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से जो कि आ चुके हैं। तो इस सबसे ऊपर जो कि आप देख रहे हैं यह डॉक्यूमेंट आपका आ चुका है, और नीचे आप देखेंगे आपका ओरिजिनल साइज़ जो कि यहाँ पर देखेगी। उसके बाद जो नीचे आप देख रहे हैं इंटर साइज, तो अपना जो कि साइज़ अपना रखेंगे जो भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर केबी या एमबी में साइज चाहते हैं तो ये केबी एमबी जो कि सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले जो कि जो भी आप साइज़ रखना चाहते हैं, चलिए साइज़ अपना जो कि यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, यानी कि इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिटी में दोस्तों जो कि यहाँ पर 100% करेंगे। देखिए जो कि इसको चलिए जो कि यहाँ पर स्लाइडिंग करके 100% कर देंगे। 100% करने के बाद जो कि यहाँ पर कंपोज इमेज पर क्लिक करेंगे। तो चलिए कंपोज इमेज पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों कंपोज इमेज पर क्लिक करेंगे इस तरह से लोडिंग होगा और आपकी फाइल जो कि कंपोज हो जाएगी, यानी कि फाइल का साइज़ जो कि छोटा हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों जो कि आपका फाइल की साइज़ जो कि छोटा हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 27.5 KB दोस्तों जो कि यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से जो कि हो जाएगा। और चलिए जो कि इस पर जो कि क्लिक करेंगे, टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे तो इस तरह से जो कि ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे व्यू यहाँ पर पिक्चर, तो यहाँ व्यू फोटो पर क्लिक करेंगे। जैसे व्यू फोटो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यह देखिए जो कि फोटो टू गैलरी, यानी कि आपका फोटो जो कि गैलरी में सेव हो चुका है। या दोस्तों उसको सेव करने के लिए यहाँ पर डाउनलोडिंग का बटन है, डाउनलोडिंग के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो कि यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अपना जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नाम चेंज कर लेते हैं। नाम चेंज करने के बाद जो कि सेव पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कि नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, करने के बाद जो कि सेव पर क्लिक करेंगे या गैलरी में जो कि सेव हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों जो कि आप जो कि अपना जेपीजी फाइल हो या जो कि पीडीएफ फाइल हो उसका जो साइज़ जो है कि आप कम कर पाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ इस एप्लीकेशन से जो भी आप जो कि डॉक्यूमेंट है इसका साइज़ कम करते हैं तो यह जो कि जेपीजी फाइल में ही रहेगा। अब जो आप इसको पीडीएफ फाइल में चाहते हैं तो चलिए यहाँ से बैक चलते हैं, दूसरे एप्लीकेशन में चलेंगे, डीओसी स्कैनर पर चलेंगे। चलिए इसको बैक करते हैं और उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो कि अपना जेपीजी फाइल है उसको जो कि पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आएंगे, इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, डीओसी स्कैनर चलिए ओपन कर लेते हैं।
तो जैसे दोस्तों DOC स्कैनर एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देखिए इस तरह से ओपन होगा, कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे जो कि क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो भी दोस्तों आप जो कि डॉक्यूमेंट जो कि साइज कम किए हैं उसको जो कि PDF में चाहते हैं तो उसको जो कि सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो कि देखिए इस तरह से जो कि ऑप्शन आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एरो है नीचे, जो सबसे पहले जो इसको क्रॉप कर लेंगे, जो भी क्रॉप करना चाहते हैं तो इस तरह से जो कि इसको जो कि क्रॉप कर लेंगे। तो चलिए मैं कर रहा हूँ। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एरो नीचे आप देख रहे हैं, इस एरो पर जो कि क्लिक करेंगे, देखिए इस एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो जैसे एरो पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद जो कि सही का जो एरो है निशान है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं ओपन PDF, ओपन PDF पर चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ओपन PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो कंपोज का ऑप्शन है, तो चलिए यहाँ पर जो कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों आप इसका साइज़ जो कि कम करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं तो और भी कम कर सकते हैं, या दोस्तों जो कि अपने जरूरत अनुसार इसका साइज़ जो कि इस तरह से स्लाइडिंग करके जो कि सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों जो कि अपने आप सेव पर क्लिक करेंगे। चलिए सेव पर क्लिक, जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो कि PDF और जो कि JPG। अगर जो आप PDF में रखना चाहते हैं तो PDF पर सेलेक्ट करेंगे, अगर जो आप जो कि JPG में रखना चाहते हैं तो JPG पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो भी आप फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो फॉर्मेट जो कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो कि आप देखेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज, उसके बाद देखेंगे माई डॉक्यूमेंट, तो इस तरह से जो भी आप जो कि सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सटर्नल स्टोरेज, उसके बाद जो आप देख रहे हैं माय डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज में रखना चाहते हैं तो एक्सटर्नल स्टोरेज पर क्लिक करेंगे, या माय डॉक्यूमेंट में तो माय डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करेंगे, यूज द फोल्डर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो कि अभी यह सक्सेसफुल जो है कि यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इस तरह से जो कि आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो कि JPG फाइल हो या PDF फाइल हो उसका साइज कम करना चाहते हैं तो कम कर पाएंगे, या दोस्तों जो कि JPG फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से, दोनों एप्लीकेशन के माध्यम से जो कि आप कंप्लीट जो कि अपना जो कि साइज या जो कि उसका मतलब कि JPG फाइल को PDF फाइल में करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। तो इस तरह से आप जो कि कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।